प्रशासन तो अभी 3 आदमी को गिरफ्तार किया है जी, और फिर भी आश्वासन देके गया है कि सबको गिरफ्तार बहुत जल्द से जल्द करें। तो सिर्फ गिरफ्तारी तक आप महदूद रहना चाहते हैं या आगे भी कुछ आप प्लान है कि? हम तो फांसी की सजा मांग करते हैं सरकार से और प्रशासन से कि उनको सजा मतलब फांसी होना चाहिए उनको। तो जो मुख्य तीन आरोपी हैं वो तीनों गिरफ्तार हो चुका है? ये 3 हो गया है, अभी मुख्य नहीं हुआ है और बाकी है, अभी रोहित भी मुख है। किनकी किनकी गिरफ्तारी हुई सर? अभी धीरेन्द्र यादव को हुआ है और रविकांत यादव को हुआ है और पवन यादव को हुआ है। पवन यादव की कल गिरफ्तारी हुई? कल वो अपने से हाजिर हुआ है, मतलब एक तरह से सरेंडर हुआ है। सरेंडर हुआ। तो अभी पुलिस ने आपको जो कुछ कहा होगा, अभी जो बाकी है उसके लिए बारे में क्या कहा? जितने लोग अभी अरेस्ट नहीं हुआ उसके लिए क्या कहा उन्होंने? वो मतलब बहुत जल्द से जल्द उनको भी गिरफ्तार करेंगे, अगर गिरफ्तारी जल्दी नहीं होगा तो उनको जो है कुर्की करके उनका घर छोड़ दिया जाएगा। और कितने लोग ऐसे हैं जिनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई? 6 आदमी है बाकी। और 6 आदमी अभी बाकी है। देखिए 6 जुलाई को घटना हुई, 16 दिन हो गए हैं, ऐसे में अब आरती यही है। अब आरती के लिए क्या कुछ आप लोग सोचे हैं? आरती के लिए उनको पूरा सुरक्षा कर रहे हैं, आरती जो चाहेंगे वो हम लोग उसके लिए खड़ा रहते हैं हमेशा, कोई तरह का उनको दिक्कत होने हम नहीं देंगे। एक सवाल है कि आपके घर के सामने भी पोस्टर लगे हैं बाबा का, सत्संगी जी? सत्संगी हम हैं, सत्संगी 3 रोज सत्संग कराए, सत्संग कराते हैं। और ऐसे में जो आरती के पिता हैं वो भी बताया जा रहा है कि सत्संगी है जी, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो आनंद फानंद में छोटों की हत्या कर दी गई? देखिए वो तो उसका उनका दिमाग की बात है, उनसे हमको कोई झगड़ा नहीं था, कोई दुश्मनी नहीं था, लेकिन उनको बुला करके छोटू को इसके बाद हत्या किया गया है सब साजिश के साथ। अभी अभी आरती के माता पिता से पहले से आपको कभी जान पहचान थी ऐसा कुछ? जी जी, जान पहचान। अच्छा, तो अभी आपका कभी आपको ऐसा लगा कि मतलब इन लोगों की तरफ से ऐसा बुला? हमसे कभी ऐसा मन में नहीं हुआ किसी मेरे लड़के के साथ में ये लोग ऐसा साजिश करेंगे, उसको हत्या कर देंगे, ऐसा मन में कभी नहीं हुआ था। एक दोस्ताना ताल्लुका था आपके? अभी सोशल मीडिया पे एक ना पोस्ट बहुत वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि आपकी तरफ से ये रिक्वेस्ट की गई है कि डोनेशन वगैरह आपके नाम पे मांगा जा रहा है, ये कहाँ तक सही है? डोनेशन आपके पास आ रहा है, आपके खाता नंबर वगैरह पे कुछ पैसे वगैरह आ रहे हैं जो ये आपकी की तरफ से हो रहा है? मतलब हम नहीं कर रहे हैं, नहीं मतलब ये है, ये सच है इसका मतलब? ये बात हमको नहीं पता है, वो आपकी बता सकते हैं इस बात। अच्छा, ये एक सवाल ये है कि जब छोटों की घटना हुई ऐसे में जब हमने आर्टिकल पढ़ा था उसमें आप भी मौके पे पहुँचे और खिड़कियों से आपने देखा अपने छोटों को तड़पते हुए जी, तो उस समय की थोड़ी सी कुछ ऐसे ही आपकी जो तस्वीरें हैं थोड़ा सा बताइएगा कि क्या कुछ हुआ, आपको क्या लग रहा था कि ऐसी क्या कुछ सीन था, थोड़ा सा बताइएगा। देखिए हमको जो है आरती कुमारी 4 बजे फ़ोन किया जी कि पापा जल्दी आइए, छोटू को मेरा भाई, मेरा पिताजी धीरेन्द्र यादव, मेरा भाई रविकांत यादव, मेरा बहनोई पवन यादव, मिथिलेश यादव और मेरा भाई का साला चंदन यादव, अरुण यादव, निर्भय यादव, ये सब मिल के सच छोटू को मार रहे हैं साजिश के तहत। मेरा भाभी बुलाए रूबी देवी और सब वहाँ जमा था पहले से साजिश के तहत, उनको पूरा मारपीट किया और जो है 6 बजे के लमसम 6:30 बजे के लमसम उनको जो है करें सता के मारे, मेरे सामने हुआ ऐसा। मैं मेरे जाने पर जिंदा था छोटे, मैं उनका चीख सुना खिड़की से, मैं देखा कि छोटों को मार रहा है, चीख सुना, बोला पानी दीजिए पानी दीजिए, मैं आवाज़ लगाया तो पहचान लिया कि मेरा पापा आ गया, पापा मुझे पानी पिलाओ, बहुत रिक्वेस्ट किए उन लोग से कि हमको पानी पिला दे दो, लेकिन घर नहीं खोला। आप अकेले गए थे क्या? बिल्कुल बंद था, तो आप लोग गांव के लोग और भी लोग गए, सब लोग भीड़ थी तो। उसके बाद अरुण यादव हमको 10-15 मिनट उधर बाहर आ करके उनको बलगला के रखा किसे रुकिए, सामंजस्य करते हैं, छोटू का आरती का शादी करवा देंगे, आप गाड़ी मंगा लीजिए, हम गाड़ी भी मंगा लिए उसकी कहने पर। मतलब आपको अंदर जाने नहीं दिया? अंदर जाने नहीं दिया, बाहर हम रहे। तो आप जो चीख वगैरह सुन रहे थे तो आपको लगा नहीं कि भाई लोगों को बुलाना चाहिए गाँव से? ऐसा
लेकिन वो जो बलगला के रखा अरुण यादव बोला कि हम सामंजस करते हैं, शादी करा देंगे। अच्छा, अरुण यादव लड़की के पिता? नहीं, अरुण यादव लड़की का जो है ना भाई का साला है। भाई का साला है, गुमराह करके रखा है। अच्छा, हाँ हाँ। और इसके बाद निर्भय यादव वो भी आया, वो भी बोला कि ठीक है छोटू, अभी हम इंजेक्शन दिए हैं, ठीक है छोटू, नहीं मरा है। लेकिन इसके बाद मेरे गांव से लड़का लोग गया, उस दरवाजे को जो है ना धक्का मार के खोला, अंदर देखता है किसी मरा पड़ा हुआ है। फिर हमको बोला कि आप यहाँ सामंजस कर रहे हैं, छोटू तो मर गया। फिर वहाँ से तो फिर बिल्कुल बेहोश हो गए, पता नहीं चला कि क्या हुआ नहीं हुआ। आपको पता कब कितने बजे चला था कि उनकी मौत हो गई? जैसे जब अंदर गए हम देखते हैं कि बिजली का करेंट लगा हुआ था, उनको शरीर में टच किया हुआ था। आपके हिसाब से घटना के जिम्मेदार कौन कौन लोग? उसमें सब घटना के जिम्मेदार सब है, सब मिल के साजिश किया है, सब मिल के साजिश किया है। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे कि लगातार 16 दिनों से घटनाक्रम चल रहा है, आप न्याय की गुहार लगा रहे हैं, 3 जो अभियुक्त थे वो अरेस्ट हुए हैं, 2-3 लोग और भी अरेस्ट होना है, आपकी मांग है फांसी की सजा होनी चाहिए, लेकिन अब ऐसे में आरती जो है यहाँ पहुँची है और आप कह रहे हैं कि हम बहू की बात करें या फिर नहीं, अभी ये सब बात कुछ नहीं होगा, पहले हमको जो है इंसाफ मिलना चाहिए, इसके बाद कुछ होगा। वही चीज जानना चाहते हैं, इंसाफ हमको चाहिए। आप कह रहे हैं कि बेटी के तौर पे या बहू के तौर पे नहीं, लेकिन बेटा के तौर पे हमको रखेंगे और सारी सुरक्षा और सारी चीज़ें हम मुहैया कराएंगे। तो अब आरती के लिए आगे की क्या प्लानिंग है आप लोगों के लिए, जो आरती यहीं पहुँची हुई है? वो जो चाहेंगे पढ़ाई करेंगे, जो चाहेंगे वैसा हम करने के लिए खड़ा है। आरती अभी स्वस्थ है? बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन बोल ज़्यादा पूछने पर बोलने पर आता है। एक सवाल इसमें होगा, जैसे कि आपने कहा कि जो लोग 2 लोग आपको वरगला रहे थे, बार बार कह रहे थे आप यहीं रुकिए सारा काम हम कर देंगे, तो आपको लगता है क्या गांव के कुछ लोगों को ऑलरेडी पहले से पता था कि बस ऐसा हो रहा है? गांव के लोग को पता नहीं था, ये जितना आदमी इसमें है आपको नाम बताए जी, सब वही मिल के ऐसा किया, गाँव के लोग को पता नहीं था, मतलब प्री प्लान एक तरह से था। देखिए, एक इम्पोर्टेंट सवाल हम करना चाहेंगे आपको कि देखिए, जो भी अरेस्ट हुए हैं अभियुक्त हैं, वो उनका आरोप है कि चाहे वो आरती की भाई की बात करें तो उनका आरोप ये है कि मतलब संदिग्ध अवस्था में दोनों को हम देखें, ये लोग जो आरोप हैं जीजा की बात करें या फिर जो भी संदिग्ध अवस्था में बाथरूम की बात करें या कई जगह बात कर रहे हैं, तो इसको किस रूप में ये केस को वो जो बता रहे हैं बिल्कुल फॉल्स बात बता रहे हैं। अब सोच सकते हैं कि से जो लड़का यहाँ से बोलता है वो लोग बोल रहा है कि हथियार लेके आया, हथियार लेके जो जाएगा उसका मर्डर हो सकता है क्या? वो मर्डर कर सकते हैं, लेकिन उनका मर्डर हो गया तो आप सोचिए कि हथियार लाने में कैसे मर्डर होगा? फिर वो हथियार वहाँ पर आमद रहता है ना, प्रशासन वहाँ जो पहुँचा कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं था, झूठा आरोप है, ये सब फॉल्स बात बता रहा है वो घर का आदमी, जो उसका माँ उसका भाई उसका दादी बिल्कुल फॉल्स बता रहा है, बचने के लिए ऐसा कर रहा है। लेकिन मेरा यही निवेदन है कि अपराधी नहीं बचे और हमको जो है न्याय मिलना चाहिए, मेरा यही कहना है, यही रिक्वेस्ट है। आने वाला समय जो आप लोग आपके सामने बचा हुआ है, इसमें आप क्या कुछ करेंगे? सबसे पहले तो मेरे न्याय मिलना चाहिए, हम ये कर रहे हैं, और उनको फांसी की सजा मिलना चाहिए। हम सबसे निवेदन करते हैं, कानून से भी निवेदन कर रहे हैं और सरकार से भी निवेदन कर रहे हैं कि उनको फांसी की सजा मिलना चाहिए, मेरा मांग यही है। अब आगे का बात तो आगे सोचा जाएगा क्या होगा। थैंक यू। क्या आप सोच सकते हैं अकेले जाएंगे मारने के लिए? उनको जो है शादी के तब उनको बुलाया गया, उसी आरती के मोबाइल से बुलाए और किसी का मोबाइल चले, आरती के मोबाइल से उसको बुलाए ताकि ये शक नहीं होगा कि यार नहीं आएगा, मामा के घर बताओ उसके बगल में, यहाँ घर से नहीं गए हैं, मामा के घर में मामा का इसमें कोई पता नहीं। क्या आप सोच सकते हैं अकेले जाएंगे मारने के लिए? उनको जो है शादी के तब उनको बुलाया गया, उसी आरती के मोबाइल से बुलाए और किसी का मोबाइल चले, आरती के मोबाइल से उसको बुलाए ताकि ये शक नहीं होगा कि यार नहीं आएगा, मामा के घर बता उसके बगल में, यहाँ घर से नहीं गए हैं, मामा के घर बता, मामा का इसमें कोई पता नहीं। पल पल की खबरों से रहेंगे अपडेट,
इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर ले और वीडियो अच्छा लगने पर लाइक और शेयर जरूर।